मेंस्ट्रुअल कप्स, छी, ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है और जब भी कोई सुनता है कि मैं मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करती हूँ एंड इनफैक्ट मैं 5 साल से ये यूज़ कर रही हूँ, दे लाइक व्हाट। तो आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताने वाली हूँ और कुछ मिथ्स क्लियर आउट करने वाली हूँ कि लोग इस बेचारे के बारे में क्या अफवाहें फैलाते हैं, क्या क्या कुछ नहीं बोलते हैं। सो आप डिसाइड कर सकते हैं देन फॉर योरसेल्फ कि क्या आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेट मी जस्ट कीप इट ओवर हियर। यस, सो सबसे फर्स्ट, ये मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है? अगर आपको कभी भी पीरियड्स आए हैं या आप किसी को जानते हैं जिसे पीरियड्स आए हैं, आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत कॉमनली वुमेन पैड्स यूज़ करती हैं उनके पीरियड्स के टाइम। आजकल कुछ लोग टैम्पोन्स यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिए हैं एंड मेंस्ट्रुअल कप भी एक और डिवाइस है जो आप अपने पीरियड के टाइम यूज़ कर सकते हो। द डिफरेंस इज दैट आप पैड्स या टैम्पोन्स यूजुअली एक बार यूज़ करके फेंक देते हो, ये जो है आप इसे रीयूज़ कर सकते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड सबसे फर्स्ट लोग इसे देख के बोलते हैं कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ दो। जब भी हम कोई भी न्यू चीज़ देखते हैं तो ऑब्वियसली इसे फर्स्ट टाइम लगता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है या कॉम्प्लिकेटेड है, बट दैट इज़ नॉट द केस हियर। एंड मैं अभी आपको समझा दूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। सो वेरी ऑब्वियसली यू कैन जस्ट इंसर्ट इट लाइक दिस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट 3 different तरीके हैं, आप उसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आप एक पंच डाउन फोल्ड कर सकते हैं, टेक योर फिंगर, पंच इट डाउन, इट फॉर्म्स दिस सॉर्ट ऑफ अ शेप एंड यू कैन पुट इट इन और अपने आप ही अंदर खुल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है द 7-fold, आप इससे एक 7 बनाइए, यू पुट इट डाउन हियर, यू पुट इट डाउन हियर, यू कैन सी यहाँ पे एक नंबर 7 बन गया है एंड दैट्स इट, आप अंदर डालिए एंड ये खुल जाएगा। एंड लास्ट इज द सिंपलेस्ट वन विच आई फाइंड ईजिएस्ट टू यूज इज ये सी फोल्ड, आप लिटरली एक सी बनाइए, पुट इट इन और ये अपने आप अंदर खुल जाएगा। एंड अंदर खुलने के बाद ये एक वैक्यूम सॉर्ट ऑफ अ थिंग क्रिएट करेगा एंड या इट विल जस्ट स्टे देयर जब तक आप इसे निकालो नहीं एंड यू कैन कीप इट देयर फॉर 12 आवर्स इजीली। और 12 घंटे के बाद आप इसे निकालो, क्लीन कर दो एंड जस्ट यूज इट अगेन। सेकेंड मिथ जो मैंने सुनी है वो है कि आप इसे रात को सोते वक्त यूज़ नहीं कर सकते या आप मेंस्ट्रुअल कप को वर्कआउट करते हुए, जिम या रनिंग या कुछ भी और ऐसा स्ट्रेन्यूस एक्टिविटी करते वक्त यूज़ नहीं कर सकते या आप टॉयलेट जाते हुए यूज़ नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। रात को सोने की बात करें तो पर्सनली आई हैव हैड द मोस्ट लीक प्रूफ नाइट्स विद मेंस्ट्रुअल कप। वर्कआउट, जिम या कोई भी स्ट्रेन्यूस एक्टिविटी की बात करें तो ऐसा है कि एक बार आप सीख गए कि मेंस्ट्रुअल कप करेक्टली यूज़ कैसे करते हैं, कि आप सीख गए आपके बॉडी में वैक्यूम बन गया ये आप कैसे पता लगा सकते हैं आफ्टर यूजिंग इट अ कपल ऑफ टाइम्स, तो उसके बाद ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी भी मूवमेंट करें दैट्स नॉट गोना मूव इनसाइड यू। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया था मैंने वो एक्सपीरियंस व्लॉग की थी और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं एक्चुअली मैं उस वीडियो को शूट करते टाइम भी जिम में गई थी एंड नथिंग हैपन। एंड नाउ टॉयलेट, बहुत लोगों को लगता है कि यार इसमें तो स्टोरेज है तो फिर वॉट इफ ये कुछ चीज़ें ऐसी स्टोर भी करना चालू करते जो आप नहीं चाहते कि वहाँ स्टोर हो, बट वेल लिटिल बायोलॉजी लेसन ओवर देयर कि जो होल्स होते हैं जहाँ से आप पी करोगे और जहाँ से आप जिसमें आप मेंस्ट्रुअल कप डालोगे वो दोनों डिफरेंट होल्स होते हैं, सो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। एक और मिथ जो है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑफ़ कोर्स फर्स्ट टाइम प्राइस देख के कोई भी सोचेगा यार ये तो एक्सपेंसिव है, हर महीने पीरियड्स आते हैं, हर महीने इतना खर्चा क्यों करेंगे हम पीरियड्स पे, बट द थिंग इज मेंस्ट्रुअल कप रीयूजेबल है एंड गेस व्हाट, आप एक सेम कप 5 years तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही कॉस्ट अगर आप डिवाइड करें इन ऑल दिस टाइम, अगर आप चाहे सिर्फ उसे 2 years या 3 years तक भी यूज़ करें, अगर आप वो कॉस्ट डिवाइड करोगे सो मंथली एक्चुअली इट कम्स आउट टू अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। एंड सिंस हम कॉस्ट की बात कर ही रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द स्पॉन्सर ऑफ टुडे, पी सेफ। एंड आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में दी है वो लिंक क्लिक करें और वहाँ से ऑर्डर करें विद द कोड आस्था10, आपको एक एडिशनल 10% ऑफ भी मिलेगा ऑन योर मेंस्ट्रुअल कप एंड एनी अदर प्रोडक्ट्स दैट यू बाय। अगर आपने कभी मेंस्ट्रुअल कप नहीं खरीदा एंड यू आर वंडरिंग कि यू नो क्या आता है इसके साथ, एडिशनली कुछ खरीदना होता है क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाट कम्स इनसाइड दिस बॉक्स। सो इन्होंने जो मुझे भेजा है वो एक स्मॉल साइज़ है, अगर आप पी सेफ की वेबसाइट देखेंगे उनके पास एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ भी है, तो अगर आप बहुत ही यंग हो या आप गॉड्स फेवरेट हो जिसे आपको बहुत ही कम पीरियड्स आते हैं तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अदर एवरेज वुमन विद एवरेज पीरियड्स वो ये स्मॉल साइज़ यूज़ कर सकती है एंड इफ़ यू हैव गिवन बर्थ यूजुअली लोग बोलते हैं कि आपको लार्ज साइज़ यूज़ करना चाहिए। बॉक्स इफ़ यू ओपन आपको मिलेगा ये पाउच
एंड पाउच के अंदर होगा मेंस्ट्रुअल कप. मैंने ऑलरेडी खोल दिया है तो इसकी प्लास्टिक कवरिंग नहीं है, बट अंदर फर्स्ट टाइम व्हेन यू बाय इट ऑब्वियसली प्लास्टिक कवर के साथ आता है. और आफ्टर यूजेज आप कप हमेशा धो के साफ करके पहुँच के इसको इस पाउच में स्टोर कर सकते हैं. इजी टू कैरी एंड इजी टू कीप एनीवन. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें छोटी सी मैनुअल आती है और जो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है या जो इन्फॉर्मेशन शायद मैं भूल जाऊँ इस वीडियो में, वो सब इसमें मेंशन है. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो फोल्ड्स के बारे में मैंने बात की वो इधर है. आपको कब कब चेंज करना चाहिए वो इसमें लिखा है, कौन सा साइज़ यूज़ करना चाहिए वो लिखा है. इवन कि ये जो कप के ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस हैं आप यहाँ देख के चेक कर सकते हैं, सो यू नो कि आपको एक ऑफिशियल प्रोडक्ट ही मिला है और आपको एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है जो अप्रूव्ड है अंडर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस. एंड वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने कप यूज़ करना स्टार्ट किया था मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सो दिस सॉर्ट ऑफ अ मैनुअल इट रियली हेल्प मी आउट. And PSafe was kind enough to send me some panty liners as well. Panty liners, सब females को पता ही होगा, usually हम travel के time use करते हैं. But also, जब मैंने first menstrual cup use करना start किया था, I was like, you know, मुझे नहीं पता मैंने सही से डाला है कि नहीं डाला है, अगर leakage हो गया when I'm out तो क्या होगा. So, अगर आप initial stages में आपकी, you know, second या third period cycle ही है of using the menstrual cup, तो just, you know, for the time being या for the heavy days, आप एक panty liner use कर सकते हैं just to be a little bit safe till the time you're comfortable with using a menstrual cup. सो यस, जैसे मैंने बताया इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं PSafe, एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है अगर आप वो क्लिक करें और वहाँ से कुछ भी परचेस करें, आस्था 10 कोड यूज़ करें, यू विल ऑल्सो गेट अ 10% ऑफ. आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, सो दैट्स ग्रेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल कप मिथ. सो ये भी मैंने बहुत बार सुना है जो लोग बोलते हैं कि यार ये तो एक कप है, ये तो अनकम्फर्टेबल होगा, ये हर्ट करेगा. अगेन दैट इज़ नॉट ट्रू. If I'm being honest, जब मेरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे हो जाता है ऑफ माई पीरियड और अगर वो एक पेनफुल साइकिल नहीं है, अगर मैंने मेंस्ट्रुअल कप पहना है, आई ऑलमोस्ट फॉरगेट समटाइम्स दैट आई एम ऑल्सो ऑन माई पीरियड. बिकॉज अगर आपने वो करेक्टली डाला है आपको वो फील भी नहीं होना चाहिए. कुछ लोगों को इसकी स्टेम भी अनकम्फर्टेबल लगती है, थोड़ी ज़्यादा लंबी लगती है, एंड मुझे भी लगती है. सो इट्स वेरी इजी, आई जस्ट कट इट ऑफ अ लिटिल बिट विदाउट ऑब्वियसली डैमेजिंग द कप, एंड बस उसके बाद यूज़ कर सकते हैं ईजिली. एंड कमिंग टू द पार्ट कि क्या ये आपको हर्ट कर सकता है, जस्ट सी कि ये टॉप पार्ट कितना फ्लेक्सिबल होता है, एंड कोई भी मेंस्ट्रुअल कप में वो इतना फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए. एंड बिकॉज इट्स, यू नो, इट्स लाइक दिस, ये आपको हर्ट नहीं कर सकता. सो डोंट वरी, एक बार आपने सही से सीख लिया कि इसे कैसे यूज़ करना है तो ये अनकम्फर्टेबल नहीं होने वाला, एंड हर्ट तो ये कभी भी नहीं करने वाला. एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट कि पीरियड ब्लड को टच करना तो बहुत अनहाइजीनिक होता है. सो ऑब्वियसली अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे रिमूव करेंगे, इसे क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, वापस डालेंगे, तो इसमें इट्स हाई चांस दैट आपका थोड़ा ब्लड आपके फिंगर्स पे भी आ जाए. एंड लोगों को ऐसा लगता है दैट ओ माय गॉड दैट इज़ सो बैड एंड दैट इज़ सो रॉन्ग. यही अगर आपकी नी पे आपको चोट लगी होती या यू नो आपके फिंगर पे आपको कट आया होता और वो ब्लड अगर आपने एक्सीडेंटली टच कर लिया तो वो ऐसे डिस्गस्टिंग फीलिंग नहीं आती. दैट्स द सेम थिंग विद योर ब्लड डाउन देयर. लोग इसे यू नो एक्सक्रीशन से कंफ्यूज कर लेते हैं कि यू नो बिकॉज दैट इज़ अ वे ऑफ योर बॉडी टू रिलीज सम टॉक्सिन्स एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू. तो उन्हें लगता है कि सिंस ये भी सिमिलर एरिया से आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट सपोज टू बी गुड फॉर यू. दैट्स नॉट ट्रू. मतलब अगर ये अनहाइजीनिक होता तो गेस वॉट, योर बेबी ऑल्सो कम्स फ्रॉम डाउन देयर ओनली. सो हाउ कैन दैट बी अनहाइजीनिक. एंड इनफैक्ट मैं एक स्टेप फर्दर जाके बोलूँगी दैट यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स पर्सनली मुझे ज़्यादा हाइजीनिक लगता है. Why? Because ये आप 12 hours के लिए पहन सकते हो. I don't like using any toilet to change period products जो मेरा खुद का घर का नहीं हो. So, अभी फ़िलहाल तो obviously मैं घर पे हूँ because of the things that are going on in the world. पर जब मैं office जाती थी every day and मैं periods में होती थी and I used to not like using their toilet for all my business. तो what was good is that मैं morning में you know menstrual cup पहन लूँ, पूरा दिन office जाऊँ, आराम से जो भी करना है करूँ, and then घर आके then I have to change it. I don't have to worry about it for the whole day. And that's why एक हद तक मैं बोल सकती हूँ मुझे personally तो ये ज़्यादा hygienic लगता है.
सो एनीवे ये था वीडियो और ये थी 5 मिथ्स मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जो यू नो इंडिया में मैं ज़्यादातर सुनती हूँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, एंड होपफुली मैंने आपके लिए ये मिथ्स क्लियर कर दी हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए आपके साथ शेयर किया है। एंड अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी हिकअप्स है अबाउट यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप, आप मुझे कॉमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगी। अगर आपको पब्लिकली नहीं पूछना है तो पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो और मैं आपको आंसर करूँगी अबाउट एनी डाउट्स दैट यू हैव। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में उस पर आप क्लिक कीजिए एंड आप आस्था 10 कोड यूज़ कीजिए फॉर अ 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम पीसेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।